अलीगढ़ में नाबालिग मासूम के साथ हुए दुराचार को लेकर अजमेर के युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में एक 3 साल की ट्विंकल नामक बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या के बाद पूरा देश रोष में है और आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। आज अजमेर के युवाओं ने कलेक्ट्री पर जमा होकर जमकर नारेबाजी और कलेक्टर को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की। हाँ जी, हमारा ये मुद्दा था सर, अलीगढ़ में जो अपन बलात्कार हो रहा है ट्विंकल पे और उसके खिलाफ हमारे कानून सख्त से नहीं हो पा रहा है और हमारे सब स्टूडेंट है चाहे यहाँ के जितने भी, हम यही चाहते हैं सर आने वाले टाइम में हमारा कानून सख्त हो और उन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको चौराहे पे लटका के फांसी दी जाए। हम यही चाहते हैं सर कि ऐसे अपराधी जिन्होंने अगर इनको अगर ये हम पर नहीं कर पाएंगे अगर ये तो इनके हौसले दिनों दिन बुलंद होते जाएंगे और हमारे देश के कानून में ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सर आज क्या किया आपने? सर हमने राष्ट्रपति मोदी के और हम मुख्यमंत्री मोदी के ज्ञापन दिया हमने और उनको अपने ज्ञापन देके ये बताया क्या आपको लगता है आपके ज्ञापन से ही सारा काम हो जाए? सर अगर चेंज हमने अपने यहाँ अजमेर में किया, ऐसे हमारे भाई अलग अलग जगह अगर चेंज करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल होगा। सर आज एक ट्विंकल ही नहीं और भी कई मासूम है जिनके साथ, हाँ सर दिनों दिन हम यही कह रहे हैं अगर इन पे सख्त कानून नहीं हो तो सर आने वाले टाइम में आप देखना कि हमारे देश की व्यवस्था या अर्थव्यवस्था क्या होती है। सर मेरा नाम आशीष बेनो एमडी सुनिश्चित से यहाँ पहुँचे। जो देश में जो भी बलात्कार हो रहा है इनके सारे मुद्दों पे लेके हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के नाम पर। क्या है मांग करी है ज्ञापन के अंदर? सर हमने ये मांग करी है कि उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, उन पर कड़ा कानून लाया जाए ताकि ये आगे ऐसी हरकतें ना करें। यूथ जो है वो हर बार मोमबत्तियां लेके बाजारों में निकलता है, वो अगली रात को ही भूल जाता है। बिल्कुल सर, फिर वारदात हो जाती है। फिर मोमबत्तियां जलाने से कुछ नहीं होगा, मोमबत्तियां जलाने से नहीं होगा, आगे आना पड़ेगा। कहाँ के मामले में आए हो आज तक? सर संपूर्ण भारत में जो भी है कोई, कौन से दोषियों को फांसी की सजा दिलाना चाहते? जैसे अलीगढ़ का हुआ, अभी अलीगढ़ ट्विंकल शर्मा नाम है उसके नाम, नाम बताओ। आकाश मेघवंशी, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। सभी स्टूडेंट लीडर्स और जितने भी लोग हैं हमारे साथ में, सभी ने ट्विंकल शर्मा के जो केस हुआ है उसको लेके आज ज्ञापन दिया है सरकार के, जो ये कानून है इनको सख्त बनाने के लिए कि अगर 4 लोगों को भी अगर ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिलती है तो कम से कम 40,000 लड़कियां सुरक्षित होती है इससे। तो मेरा तो ये कहना है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि इन सभी चीज़ों को रोका जा सके। अजमेर में भी बलात्कार काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी वारदात है सामने आ रही है, कभी आप लोगों ने उनके लिए कुछ किया? सर ऐसी नहीं, सर ऐसा कुछ नहीं है अजमेर में, ऐसी कोई बड़ी वारदात शायद हमारे नज़रों में नहीं आई अभी तक। जब भी आएगी हम उन दरिंदों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने ही नहीं देंगे, उनको सभी को ना हम सड़क पे जिंदा जला देंगे। आप जिम्मेदारी लोगे? जी बिल्कुल जिम्मेदारी लेंगे। आज कौन से बैनर के तले आपने यहाँ पे ज्ञापन दिया? जी कोई बैनर तले नहीं दिए हमने सभी स्टूडेंट लीडर ने मिलके, हमारे GGCA GCA DV सारे मिलके यहाँ पे हमने ज्ञापन दिया है। नाम बताइए। हर्ष रावत, महानगर सहमंत्री ABVP।